राइट डाउन बेटा, फार्मूला बनाइए, क्विक लाइन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इन दिस क्विक लाइन. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट, इन चारों के फार्मूलास, फ्रेम द फार्मूलास. ठीक है, राइट डाउन द एलिमेंट्स नेम इन इट. कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट डाउन दैट वन एंड द मॉलिक्यूलर मास. डू इट. दोज हु आर नॉट एबल टू डू देन प्लीज आस्क. मास मेक द फार्मूला. डोंट सी. हरी अप. एक बना के मेक द फार्मूला, राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन इट एंड मॉलिक्यूलर मास. एंड ब्रोमीन का लिख लो यहाँ पे, मास नंबर 80 लिख लो इसका. 79 पॉइंट समथिंग होता है, 79.9 होता है. ठीक है. वैसे भी वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड द 35 ब्रोमीन 79, 35 ब्रोमीन 81, दोनों आइसोटॉप. मिड हो गया ना उसका, 79.980 हो गया एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, चलो क्विक लाइन. हाँ जी, सी ए टू पॉजिटिव, O, two negative, cancer, C, A, O. Name of the element in this? Calcium oxide. क्या है? Calcium and oxygen. Name of the elements present in calcium quick lime? Calcium and oxygen. Name of the elements present in quick lime? Calcium or oxygen. Oxygen. ठीक है, oxide नहीं है. बता रही. ठीक है, molecular mass? 40 plus 16. That is 56 U. Hydrogen bromide कैसे बनेगा? H positive. Okay. What is this? Br. Br क्या? 1, 2. कैसे याद रखा? I told you. फिर कल बाहर आई. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. I told you this thing. फिर कल बाहर. ठीक है, इन सब की माइनस वन वैलेंसी होती है. ऑल दीज आर हैविंग द माइनस वन वैलेंसी, दीज आर कॉल्ड हैलोजन्स होते हैं. तो जस्ट अभी के लिए याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑल आर हैविंग माइनस वन वैलेंसी. इज इट क्लियर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर हैविंग माइनस वन वैलेंसी. राइट, तो ब्रोमीन माइनस वन, अगेन इट इज कैंसर. HBr. नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट? हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन. हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. फार्मूला, हाइड्रोजन ब्रोमीन. नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर. सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. फार्मूला, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बेकिंग पाउडर? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम इज NaHCO3 नेगेटिव. फार्मूला विल बिकम NaHCO3. और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन.
sodium atomic mass 23 1 12 plus 48 kitna hua 84 पोटेशियम के 1 सल्फेट SO4 2 नेगेटिव विच फार्मूला इज देयर K2SO4 एलिमेंट्स के नेम क्या क्या है इसमें पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन ठीक है मास नंबर 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 32 प्लस 64 ठीक है पता लग गया दिनेश ठीक है जी क्लियर है चलो अब मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं व्हाट इज द मास ऑफ यू विल कैलकुलेट व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड वर्ड यूज किया मैंने आई एम राइटिंग हियर व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन बैलेंस इज माइनस 1 यू हैव हां जी ए वाई ए टी एसिटाइन वो रहने दो अभी आप इतना करो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हां जी हां जी व्हाट इज द मास ऑफ 10 moles of sodium. Mass of sodium. 10 moles of sodium sulfite. पहले sodium sulfite formula क्या बनेगा? हाँ जी sodium sulfite. Sodium Na sulfite SO4. सोडियम Na सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव याद रखो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव और जो ड वर्ड होता है ना ड वो 2 को रिप्रेजेंट करता है ट 3 को 8 4 को जैसे ब्रोमाइड क्लोराइड तो वो हम कैलकुलेट करते हैं सल्फाइड ठीक है ना यहाँ पे डी आप कैलकुलेट करते हो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव एंड सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव तो व्हाट इज द फार्मूला वो आप सल्फर लेके चलो हाँ मैंने अभी बोला जहां ड वर्ड आता है यू हैव टू कैलकुलेट क्लोराइड तो आप क्लोरीन लेके चलो अपने आप फार्मूला ब्रोमाइड सल्फाइड ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन हाँ वो ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन लो अपने आप ऑक्साइड फार्मूला बिल फ्रेम ये बन गया Na2SO3 अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32 प्लस 48 यही है 126 है नाउ व्हाट वी हैव टू डू 10 मास ऑफ 10 मोल्स फार्मूला व्हिच वन स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम एंड हमें नंबर ऑफ 10 मोल्स गिवन है मास वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास 126 ये इधर जाएगा 10 मल्टीप्लाई 126 इक्वल टू 1260 ग्राम क्लियर है हाँ लिखो राइट डाउन
mass of 0.5 mole of water molecule. Calculate the mass of 0.5 mole of water molecule. क्या करेंगे हम? फार्मूला कौन सा लगने वाला? नहीं, इसमें फार्मूला यही सेम फार्मूला, n is equal to small m upon capital N. Water molecules means H2O. We have to calculate molar mass of water. 18. Now number of moles given. Mass we have to calculate. 18. It will go there. 0.5 multiply 18. 9 gram. ठीक है, आ गया समझ? Yes. पक्का आपको आ गया बच्चे? निकालो नेक्स्ट. Calculate the number of molecules in. Calculate the number of molecules of molecules है ना, number of molecules है ना. अब molecules आ गए, molecules, atom, particles का बीच formula Avogadro वाला. What is the number of molecules of sulfur? SA. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. जी आ निकाल के बताओ. सॉलिड सल्फर, हरी अब जिया कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस थिंग. Now which formula we will apply? N into, right? But here they had given, this is here, but they had given gram. That means N should be break into N naught. M is 16. Molar mass. What is the molar mass? Sulfur. Sulfur kya? 20. Huh? 16. S8 and na? तो S सल्फर हो गया 32 ना, 16 एटॉमिक नंबर, मास नंबर डबल, 32 पैर भी 8 है, मल्टीप्लाई. समझ आई? समझ आया? यहाँ पे इधर आ जाओ ना, एक कप के लिए इधर बैठो, इस साइड आ जाओ, डायरेक्टली उधर आ जाओ, सो दैट आई कैन इजीली. समझ आया बेटे? ब्रजेश नहीं हुआ? दोबारा करो. Why we had taken this? क्योंकि जो पैर में होता है ना, just consider it as a age. जो पैर में है ना, age मान. कि उसकी age कैसे, उसको multiply कर. Right? Now as said, we have to calculate. बेटे समझ आ गया इधर मगर? पक्का? Right? Now 256 multiply. Then 16 के डबल पे 256 आता है. 16 साल होता है ना. नाउ कटिंग करो इसकी और इसकी. Sixteen threes are 48 ना, सीधा ही अगर मैं कटूं, यहाँ पे पॉइंट हो गया 3, है ना. 48 कितने रह गए? 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करो बच्चे. नहीं होता ना सीधा डिवाइड, आई टोल्ड यू सीधा डिवाइड कर लिया करो. ये आ गया 0.376. एक डेसिमल उधर शिफ्ट कर देते हैं, 3.76 इनटू पहले इस पर
डेसिमल शिफ्ट किया ना, 0.3 आया था ना यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ तो जब उसको एक डेसिमल उधर शिफ्ट हो गया तो नंबर कम हो गया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, नो इश्यू। इफ एनीथिंग इज देयर आपके डेसिमल में ऑप्शंस में इफ एनी द डिजिट्स इधर उधर एक आधा हो रहा है तो नो वरीज। इज इट क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया? इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन तो यू हैव टू कैलकुलेट। और सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपको अकेला सल्फर मॉलिक्यूल दे दिया है, दे हैड नॉट मेंशनड एस 8, तो आपने तब भी एस 8 लेना है क्योंकि सल्फर मॉलिक्यूल एस 8 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। एस 2 नहीं है, सल्फर मॉलिक्यूल वर्ड है तो वो 8 में एग्जिस्ट करता है। सल्फर अकेला एस। चलो नेक्स्ट लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बुक वाला ये करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन Calculate the number of molecules ions present in 0.051 gram of aluminium oxide. Now, याद है किसी को? मैं भूल गया बुक का, मैं बुक का करवा दूं क्योंकि यही एक डिफरेंट क्वेश्चन है बुक में। हाँ जी, कैसे करना? पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को निकालेंगे, ये है 2O3, फार्मूला मुझे तो आता है, यू हैव टू फ्रेम, ठीक है। देन मास नंबर, ये आ गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? ओहो गलत करा है, नो वन पॉइंट आउट। सोडियम का मास नंबर लिख रही हूँ मैं, I have written the sodium mass number. 23 sodium का mass number, aluminium 13 is atomic number, mass number is 27. अब क्या करना है इसमें? किसके निकालने हैं? Aluminium के? क्या formula लगा रहे हो? निकालो जरा, निकालो, लगाओ, करो, do it. क्या आ रहा है कैलकुलेटर? 6.022 क्या करा है? इसको ऐसे ही करा, 6.022 इनटू 10^90 कैसे आया? हाँ तेरा ठीक है। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एल्यूमिनियम आयंस, है ना? आपने आधा कर लिया, बिल्कुल ठीक आया। जरा क्या है आंसर बोलियो ब्रिजेश? 3.022 × 10^11 होएगा। चलो वन वन से, ठीक है, ये आ गया। इज इट क्लियर? ये आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम का कितना है? देखो ना, एल्यूमिनियम आयन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम के निकालने, तो एल्यूमिनियम की पास कितना है इस टाइम? 2, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 × 3.011 × 10^20
जो भी आपने कैलकुलेट करा तो जस्ट फाइंडिंग हां तो ठीक है मैं तो बता रही हूं 19 कटेगी तो 20 आएगा यार क्या कंफ्यूज कर रहा मुझे 30 नीचे से काटोगे तो 20 आएगा मैंने दो बार काट के 20 को किया और 22 11 को 22 किया मैंने ठीक है समझ आया कि नहीं आया ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया इज इट क्लियर बेटे एल्युमिनियम के आयंस निकालने है ना तो एल्युमिनियम के आयंस यानी कि फार्मूले में एल्युमिनियम के पास कितने हैं कितने एल्युमिनियम को हमने एक एल्युमिनियम की निकाल दिए लेकिन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एल्युमिनियम कितने पार्टिसिपेट कर रहा है दो यू हैव टू मल्टीप्लाई इन दिस फार्मूला का है क्लियर इन दिस फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर Al2O3 निकल फार्मूला तो उसका वही रहना है ना बच्चे एल्युमिनियम ऑक्साइड मींस Al2O3 वो फिर अलग अलग निकालोगे एल्यूमिनियम के अलग ऑक्सीजन के अलग अगर वो बोल रहे हैं ऑक्साइड आयंस निकालो है ना आपने सारा सॉल्व करा सारा ऐसे ही रहेगा ना अगर ऑक्साइड गया तो फिर हम ऑक्साइड के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करते ठीक है और पूछो चलो एक और कर लो अच्छा गिव वन वर्ड पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज वेरी नाइस मदन पॉलीएटॉमिक आयन ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज ग्रुप ऑफ एटम मींस जब नंबर ऑफ द ग्रुप दे आर हैविंग चार्ज दैट मींस कॉल्ड द एग्जांपल दे सकते हो पॉलीएटॉमिक का SO4 polyatomic polyatomic matlab poly means many atomic means different atoms many atoms combined theek hai na H2CO3 this is polyatomic NH4 polyatomic like number poly means many atomic atoms different atoms combined karke jo polyatomic What is the name of this compound? Gold hai. Silver sulfide. What is the name of this one? अगर मुझे इसको पूरा लिखना है कैसे लिखोगे? मैम सिल्वर Ag2CuS2 दो ऐसा ना कैसे लिखेंगे अगर मुझे वो पूरा लिखो उसमें अल्फाबेट्स में लिखो इसको कॉपर क्या लिखोगे अगर ये लिखो ना अच्छा नेम बताना ठीक है ना क्योंकि सल्फाइड की कितनी होती है 2 नेगेटिव कॉपर की वही होगी तभी कट गई है तो क्या बना कॉपर 2 सल्फाइड समझ आई कि नहीं सल्फाइड की 2 नेगेटिव होती है ना इसके पैर में नहीं आई इसका मतलब कैंसिल हो गई है कैंसिल कब होगी जब दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब कॉपर की क्या वैलेंसी ली हमने कॉपर 2 सल्फाइड सल्फाइड ये जी सिल्वर है कि आर्गन करा नहीं था हमने कैलरी नहीं कैल्शियम मांगे में हाई जी ए जी आओ हाई जी एच जी मर्करी ए जी सिल्वर मर्करी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एक बार बोल एनी डाउट्स